आज हम बात करेंगे ओपन एआई और चैट जीपीटी के बारे में, जो दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हैं। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2015 में इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रीग ब्रोकमैन और भी कुछ लोगों के साथ मिलकर स्टार्ट किए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट और रिसर्च को एक्सेलरेट करना, ताकि हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद और हेल्पफुल टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। ओपन एआई के कुछ बहुत ही मशहूर एआई मॉडल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जीपीटी 3 एक बहुत बड़ा मॉडल है जो 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ ट्रेंड हुआ है और इससे सेंटेंस और पैराग्राफ जनरेट किए जा सकते हैं। इसी तरह चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई मॉडल है जो कि आपके सवालों का जवाब देना सीखता है। ये मॉडल नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज जनरेशन में एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से इससे बात करना बहुत ही आसान है। चैट जीपीटी के मदद से आप किसी भी टॉपिक पर सवाल पूछ सकते हैं और आपको इससे अपना जवाब मिल सकता है। ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो हर रोज नए डेटा से अपडेट होता रहता है, ताकि इसकी एक्यूरेसी और नॉलेज इम्प्रूव की जा सके। इन सब मॉडल्स को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम था और इसमें ओपन एआई के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है। इन मॉडल्स के डेवलपमेंट में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल नेटवर्क्स जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं। इस तरह से ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स के डेवलपमेंट से आज की हमारी सोसाइटी में बहुत से फायदे हैं। इन मॉडल्स की वजह से हमारी कम्युनिकेशन, एजुकेशन और रिसर्च में बहुत ही एडवांसमेंट हुई है। अब हम बात करेंगे चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है और आपके क्वेश्चंस का जवाब देने में मदद करता है। लेकिन चैट जीपीटी के अलावा भी दुनिया में कुछ और कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिटसुकू के बारे में। मिटसुकू एक चैटबॉट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करती है। इसका इंटरफेस आपको फेसबुक मैसेंजर और कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकता है। मिटसुकू आपसे बात करने के साथ साथ जोक्स सुना सकती है, गेम्स खेल सकती है और आपको बहुत से क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकती है। दूसरा कॉम्पिटिटर है रिप्लिका। रिप्लिका भी एक चैटबॉट है जो आपसे कन्वर्सेशन कर सकती है और आपकी पर्सनालिटी को समझ सकती है। आप रिप्लिका से अपने फीलिंग्स और थॉट्स शेयर कर सकते हैं और ये आपके लिए मेडिटेट और अफर्मेशंस प्रोवाइड कर सकती है। चैट जीपीटी का तीसरा कॉम्पिटिटर है क्लेवरबॉट। क्लेवरबॉट भी एक चैटबॉट है जो आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है और आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करता है। क्लेवरबॉट को आपसे बातें करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये अपनी लर्निंग के बेसिस पे आपको सही जवाब दे सकता है। अब हम चैट जीपीटी के सबसे बड़े और मेन कॉम्पिटिटर गूगल के दरमियान कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है। गूगल भी एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है जिसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। दोनों का मकसद यूजर्स को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी और गूगल के दरमियान कॉम्पिटिशन कैसे होती है? इसका जवाब काफी सिंपल है। दोनों के दोनों सिस्टम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। चैट जीपीटी में कॉम्पिटिशनल पावर ज्यादा है जिससे इसके पास ज्यादा डेटा प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है। गूगल भी कॉम्पिटिशनल पावर में कोई कम नहीं, लेकिन चैट जीपीटी की तरह इतनी बड़ी मॉडल नहीं है। दोनों ही सिस्टम्स अपने एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, जबकि चैट जीपीटी अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम को इम्प्रूव करता है। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में कॉम्पिटिशन करते हैं। अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो चैट जीपीटी बेहतर है, और अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम करते हैं तो गूगल आपके लिए बेहतर है। इन सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ चैट जीपीटी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। चैट जीपीटी का यूज आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट और सेल्स के लिए भी चैट जीपीटी को यूज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में ओपन एआई के चैटबॉट के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका और भी कोई टॉपिक पर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं फौरन उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।